फ्रेंड आप लोग कैसे हो। आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मेरे चैनल का नाम ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स है और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अक्की मसूर दाल, जो कि बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनेगी और कम मसालों में बनेगी। और भी मसाला भी मैं घर का ही यूज़ करने वाली हूँ, मैं बाहर का कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। गर्मियों में कम तेल और कम मसाला खाना है तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मसूर की दाल ली है और मैंने इसे 3 से 4 घंटे भिगो के रख ली थी। और ये देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। आपका 3-4 घंटे में बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो आज इसकी हम झटपट सी भाजी बनाने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से कि गर्मियों में कम मसालों में हम भाजी किस तरीके से बना सकते हैं वो आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सारी चीज़ें, ये तड़के के लिए है, प्याज है थोड़ा सा और 2 हरी मिर्ची है। और मिक्सर में वाटी में मैंने पीसा है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर। मैंने ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने हल्का सा पानी डाल के ऐड पीस के ले लिया। यहाँ पे मैं हींग का भी इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज लिया है और हरा धनिया लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और हम कुकर में ही बनाएंगे। और मैंने इसमें सिर्फ 2 छोटे चम्मच से तेल डाले हैं और तड़के के लिए रेडी हो जाए मैंने जीरा ऐड कर दिया है। हींग अब मैंने थोड़ा ही ऐड किया है और इसे अच्छे से थोड़ा सा भून के ले लेंगे, थोड़ा सा चटक जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 1 मिनट हो चुका है, सिर्फ ज़्यादा नहीं करना है। और उसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जो हमने मीडियम साइज के 2 बड़े प्याज काटे हैं छोटे पीस में, तो उसको हम भून के ले लेंगे। थोड़ा भूनेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, मतलब ज़्यादा रेड नहीं करना, हमें सॉफ्ट ही करना है। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट हम भून के ले लेते। तो चलिए मसालों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले लिए, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इसमें मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे गरम मसाले मैंने घर के यूज़ किए। यहाँ पे मैंने हल्की सी मिर्ची पाउडर ऐड किया, यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड किया। और इन सारी चीज़ों को इस प्याज के साथ हम भून के ले लेंगे। इससे बहुत अच्छे मसाले भी भून जाते हैं और बहुत अच्छा सा खुशबू भी आता है। तो इस तरीके से हमें भून के ले लेना है। मैंने ये गर्मियों में किस कम तेल और कम मसालों में कैसे बनाना है वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है तो जो हमने पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट ढक के हम पकाएंगे। ढक्कन नहीं लगाना है, कोई प्लेट लगा के हम इसे पका के ले लेंगे। आँच है जो हमें मीडियम आँच पे ही पकाना है क्योंकि हमें इसे कुक करना है कुकर में। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट हो चुका है तो हमारा जो मसाला है अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे मैं जो अक्की मसूर की दाल है उसे भी ऐड करूँगी। तो इसे मैंने छोटे कटोरी से डाला था तो ये फूक के डबल हो जाते हैं दाल। तो इसे भी मिक्स करके इसे भी हम 1 से 2 मिनट मीडियम आँच पर ढक के पकाएँगे। और इसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगी, पर इसे मीडियम आंच पे ही पकाइए, स्लो आंच पे मत पकाइए। तो चलिए इसे ढक के 2 से 3 मिनट हम भून के ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है और जो हमारा मसाला है और अक्की मसूर की दाल है वो भी बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। आपको जैसा चाहिए, मतलब आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए दाल में, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है कि हम आसानी से रोटी से खा सकते हैं। तो इसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और नमक ऐड करने बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे 3 सीटी आने तक हमें इसे पका के ले लेना है। तो चलिए 3 सीटी आने के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सीटी भी हो चुकी है और मैं गैस को कर रही हूँ बंद। और यहाँ पे ठंडा भी हो चुका है, 5 से 6 मिनट में हमारा गैस निकल चुका अच्छे से। तो देख सकते जो हमारी अक्की मसूर की दाल है बन के रेडी हो चुकी, देख सकते बहुत अच्छे से गल चुका है।
तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने टोप चढ़ा दिया है और मैं इसमें घी ऐड करूँगी। आप चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हो, पर जो हम घी से तड़का मारेंगे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच घी लिया है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी प्याज जो हमने बारीक कटिंग करके ले लिया था। मैंने यहाँ पे छोटू सा प्याज कटिंग किया था और इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। और इसी के साथ साथ मैंने जो हरी मिर्ची लंबी लंबी काटी थी वो भी ऐड करूँगी कि मेरा दोनों साथ में अच्छे से भून जाए। तो चलिए, तो दोनों को अच्छे से साथ में भून ले। आप चाहे तो इसमें जीरा और हींग का भी तड़का दे सकते हो, पर मैंने पहले ही दिया है इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्याज और हरी मिर्ची जो अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो जो हमारे दाल मूंग दाल का जो रेडी हो चुका है तो उसमें मैं तड़का मारूंगी। सच बता रही, इस तरीके से तड़के वाली दाल खा के देखें, बहुत यम्मी और बहुत कम मसालों में बना है कि आप है ना गर्मियों में भी बहुत आसानी से बना सकते हो कम मसालों में, कम तेलों में। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया, बहुत सारा हरा धनिया मैंने ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे जो दाल है मेरी बन के रेडी हो चुकी, देख सकते हो। इसे हम रोटी या पराठा या पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत यम्मी दाल बनी है। अगर मेरी दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।